हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक बार की बात है, कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने एक बहुत बड़ा पिंजरा लिया और उस पिंजरे में 5 बंदर्स को रख दिया। जी हाँ दोस्तों, जब ये 5 बंदर्स और उसके साथ उन्होंने एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी के टॉप पर कुछ केले रख दिए। दोस्तों, जब उन्होंने बंदरों को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो जैसे ही बंदरों ने बंदरों की नज़र केले पर पड़ी, वो तुरंत भागकर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करते केलों को पाने के लिए, और वैसे ही साइंटिस्ट उन पर पानी गिरा देते। जैसे ही दोस्तों पानी उनके ऊपर गिरता, पानी उनको ठंडा लगता और तुरंत नीचे की तरफ भाग जाते। दोस्तों, ऐसे ही हर एक बंदर ने कोशिश की। जब उन्होंने देखा और उन्होंने ये मान लिया कि जैसे ही कोई सीढ़ी पर चढ़ता है तो पानी गिरता है। दोस्तों, अब की बार जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो दूसरे बंदर इकट्ठा होकर उस बंदर को नीचे खींच लेते और खूब मारते पीटते। दोस्तों, अब हर कोई भी बंदर ऊपर जाने की कोशिश करता तो उसके साथ यही हश्र होता। दोस्तों, कुछ देर बाद साइंटिस्ट ने उनमें से एक बंदर को निकाल लिया और उसकी जगह पर कोई एक नया बंदर डाल दिया। दोस्तों, अब उस पिंजरे में 4 पुराने बंदर थे और एक नया बंदर था। दोस्तों, उस नए बंदर को नहीं पता था कि यहाँ पे क्या खेल चल रहा है, माजरा क्या है। तो जैसे ही उसने केलों पर उसकी नज़र पड़ी, उसने सीढ़ी की तरफ अपने कदम बढ़ाए, पर इस बार साइंटिस्ट ने पानी की बौछार नहीं की। दोस्तों, जैसे ही बाकी बंदरों ने देखा कि ये बंदर सीढ़ी की तरफ भाग रहा है, तुरंत उसको नीचे गिराया और उसके साथ मार पिटाई करने लगे। दोस्तों, उस पुराने बंदर को नए बंदर को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो जैसे ही बढ़ता सीढ़ी की तरफ बढ़ता उसकी पिटाई हो जाती। दोस्तों, अब उस बंदरों ने ये अपना दिमाग लगाया कि जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ता है कोई बंदर तो उसकी पिटाई होती है। और अब जो नए बंदरों के दिमाग में ये बैठ गया कि ना तो सीढ़ी पर चढ़ना है, ना ही किसी को चढ़ने देना है। दोस्तों, थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट ने उस पुराने बंदरों में से एक पुराने बंदर को निकाल कर उसकी जगह पर एक नया बंदर डाल दिया। दोस्तों, अब उस पिंजरे में 3 पुराने बंदर थे और 2 नए बंदर थे। दोस्तों, उस नए बंदर ने भी सेम वैसे ही किया और पुराने बंदरों ने सब ने मिलकर उसको नीचे गिराया और खूब मार पिटाई की। दोस्तों, अब ना तो कोई पानी की बौछार हो रही थी, बस उस केले तक कोई भी पहुंचने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ऐसे ही दोस्तों, थोड़ी देर बाद साइंटिस्ट ने एक एक करके सभी पुराने बंदरों को नए बंदरों से रिप्लेस कर दिया। दोस्तों, अब उस पिंजरे में 5 नए बंदर थे, पर उस सीढ़ी की तरफ कोई भी नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि उस सीढ़ी पर सबको पता था कि अगर सीढ़ी पर चढ़ने की कोई भी कोशिश करेगा तो मार पड़ती है, ना तो सीढ़ी पर चढ़ना है, ना ही किसी को चढ़ने देना है। दोस्तों, ऐसे ही हम मानव जो हैं, पुराने कई दशकों से रीति रिवाज, हमारी कोई प्रथाएं चली आ रही हैं और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों, उस टाइम जब ये रीति रिवाज चले थे, उस टाइम उनका कोई मकसद था, पर जैसे ही वो मकसद कंप्लीट हो गया, मकसद तो कंप्लीट हो गया पर वो जो रीति रिवाज थे वैसे के वैसे बने रह गए, और वो सदियों से चलते आ रहे हैं, पर हम में से कोई इसके बारे में क्वेश्चन नहीं करता है, ना तो कोई पूछता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जस्ट हम एक दूसरे को देख के ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सो दोस्तों, डोंट एक्ट लाइक ए मंकी। हमें बंदरों की तरह नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बंदरों के अंदर वो तो जानवर है, वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, परंतु दोस्तों हम इंसान क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। तो हमें उन रीति रिवाजों के प्रति क्वेश्चन उठाना चाहिए, सवाल पूछने चाहिए कि हम इसको क्यों फॉलो कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।